हाय ओके गाइस, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमें एक ऐसा डुओ सुनने को मिलने वाला है एक ट्रैक में जिन्हें मैं साथ में इमेजिन कर भी नहीं सकता। हम ट्रैक के क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ट्रैक के सिंगर हैं स्टेविन बेन, लिरिक्स और कंपोजिशन है जानी की और म्यूजिक प्रोड्यूस किया है हनी बनी ने, वीडियो डायरेक्ट की है अरविंदर खेरा ने और ट्रैक का नाम है जाना। ओके गाइस, तो जानी के पेनफुल, मतलब आपको पता ही कितने डीप लिरिक्स लिखते हैं जानी, और स्टेविन बेन की बिल्कुल मास्टरपीस वोकल्स हैं स्टेविन बेन के, बहुत ही ज़्यादा हिट हैं। 11 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके, मतलब इतने कम स्पेन में अभी इनका करियर शुरू हुआ है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके स्पॉटिफाई पे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं इनके, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो स्टेविन बेन के वोकल्स और जानी के लिरिक्स में इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मिक्सचर कैसा लगने वाला है हमें, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। मैंने इस ट्रैक का टीज़र देखा था, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, वीडियो इस ट्रैक की बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अरविंदर खेरा सर बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने इस वीडियो पर, तो पूरी वीडियो देखकर हम ट्रैक की वीडियो के बारे में बात करेंगे। ओके गाइज, तो मैं करूँगा इस ट्रैक पर रिएक्ट, दूंगा आप लोगों को अपने रिव्यूज़, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पर मैं ट्रैक को रेट करूँगा आउट ऑफ 5 स्टार्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। ऑडियो को अलग आउट ऑफ 5 हम रेट करेंगे और वीडियो को अलग आउट ऑफ 5 हम रेट करेंगे। तो पहली बार में देखकर जो मेरा ओपिनियन बनेगा उस हिसाब से रेट करने वाले हैं, 10-15 बार नहीं सुनेंगे पहली बार में देखकर। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, करते हैं हम इस ट्रैक पे रिएक्शन शुरू। लेकिन उससे पहले जिस जिसको ये ट्रैक पसंद आया है और नए नए ट्रैक्स का रिएक्शन देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अप्रिशिएट करें मेरे काम को, प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, और जितने भी फैंस हैं स्टेविन बेन के, जानी के या किसी के भी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। सीधे जंप करते हैं हम वीडियो में। जाना, एक्साइटेड हूँ मैं यार बहुत ज्यादा इस ट्रैक के लिए। कामिया चौधरी, सॉरी इनको मेंशन करने में भूल गया। हाँ, बस 2-2.5 घंटे में पहुँचे हम। अच्छा सुनो, तुम्हारी बस खराब होने वाली है। बस क्यों खराब होगी? नाइस स्टोरी लाइन देखो आप लोग। हाँ शॉट, तुझे गले से लगाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है बारिश में, तुझे छुके शर्माना है बारिश में और तेरे साथ नहाना है बारिश okay. में जाना जाना nice. जाना वोकल्स और कंपोजिशन। ओ आशिक थोड़े होते हैं जो डर के अंदर होते हैं, जो सावन के महीने में भी डर के अंदर होते हैं, तेरे हाथों का खाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है बारिश में, तुझे छुके शर्माना। डिफरेंट कंपोजिशन, ओरिजिनल ट्रैक, और तेरे साथ नहाना है बारिश में। आहा जाना, ब्यूटीफुल जाना। शॉट यार, कलर ग्रेडिंग चेक करो आप लोग, लोकेशन चेक करो, मास्टरपीस इन एवरी कैटेगरी। तू मेरे सामने है, क्या नजारा है, क्या नजारा है, क्या नजारा है, खाब मेरे ख्याल मेरे बहुत होते हैं, जितने पास आँखों के होठ होते हैं, तेरे लिरिक्स आना है बारिश में, जानी का गाना गाना बारिश में, तुझे छुके शर्माना है बारिश में। हनी बनी का म्यूजिक गिटार वाला होता है, नाइस फील यार। हुक इतना प्यारा कंपोज किया है ना, ये जाना वाला पार्ट ब्यूटीफुल यार। ओ फिल्म का सीन लगेगा, सीरियसली लगेगा, सीन लगेगा, नाइस शॉट। ओ
बारिश में। चांदनी चलाना है बारिश में। ब्यूटीफुल। और तेरे साथ नहाना। हिंदी में लिरिक्स लिखे जानी ने तो यार। जाना जाना बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ओके गाइस, तो मैं ट्रैक रोकना चाहता था बीच में, इतनी प्यारी चीज बनाई है कि मैं रोक ही नहीं पाया। इस ट्रैक में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब भरा हुआ ये ट्रैक ऐसी चीजों से जिनके बारे में आप बात कर सकते हो, तारीफ करना चाहोगे आप उन चीजों की। सबसे पहले वोकल्स, मैंने आपको पहले ही कहा था, एक तो कंपोजिशन वो जाना जो ट्रैक का हुक है उसकी कंपोजिशन इतनी प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी कंपोजिशन है। ओवरऑल ट्रैक की कंपोजिशन भी अच्छी है, लेकिन वो वाला पार्ट आपको गूज़बम्स ज़रूर दिलाएगा। और उस पर स्टेविन बेन के डीप वोकल्स, मतलब बिल्कुल खने हुए, वो कहते हैं ना खनी हुई आवाज़, बिल्कुल वैसे वोकल्स हैं इनके। बहुत ही प्यारा वोकल्स वाला डिपार्टमेंट और कंपोजिशन। हनी बनी का म्यूज़िक एकदम फील वाला था, गिटार चल रहे थे, बीट काफ़ी सही थी, काफ़ी अच्छी वाइब मेंटेन रखी उनके म्यूज़िक ने। और लिरिक्स के बारे में बात करूं तो ट्रैक पंजाबी लिरिक्स में नहीं था उतना, ट्रैक हिंदी में था। और बहुत ही प्यारे लिरिक्स, बहुत ही अच्छा लिखा था। ये जो जाना जो मैंने सुना था ट्रैक का नाम होने वाला है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि कुछ भवाल चीज़ बनने वाली है। बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा। नो डाउट ट्रैक की ऑडियो को मैं दूंगा 10 out of 10, 20, 50, 60 जितने होते हैं मैं सारे देना चाहूँगा, बहुत ही सही ट्रैक। ओके गाइस, तो वीडियो के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं टीज़र देख चुका हूँ इस ट्रैक की वीडियो का, उसमें थोड़ा मुझे आइडिया लग गया था कि वीडियो कैसी होने वाली है। कुछ शॉर्ट्स दिखा दिए गए थे तो बहुत ही प्यारा यार, मतलब किस चीज़ की तारीफ करूँ मैं, मतलब कॉस्ट्यूम्स, बिल्कुल छोटी सी चीज़, आप उसकी डिटेलिंग देखो, सेट के साथ कितना मैच कर रहा था वो सब कुछ, बहुत ही प्यारा था सब कुछ। शॉर्ट्स काफ़ी अच्छे लिए गए थे और जैसे शाहरुख खान सर की मूवीज़ के सॉन्ग्स नहीं होते, बिल्कुल वैसी फील दे रहा था मुझे, मतलब बिल्कुल आइकॉनिक सेट्स लग रहे थे। इतनी प्यारी कलर ग्रेडिंग हो रखी थी और काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी स्टेविन बेन की और कामिया की। और अरविंदर खैरा सर का काम, मतलब स्पीचलेस हूँ मैं, इतना अच्छा काम किया गया है वीडियो पर, काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट्स, बहुत ही अच्छी वीडियो। ओके गाइस, तो ट्रैक की वीडियो को भी मैं क्या रेट करूँ, मतलब जितने मेरे पास हैं बिल्कुल सारे दे रहा हूँ 5 stars out of 5। नाइस वीडियो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।